हेलो दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा। आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टैबलेट का रिव्यू। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में फेराज़ुट कैप्सूल। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रेंड मेडले कंपनी बनाती है। देखिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँगा, मेडले कंपनी इसको बनाती है दोस्तों। इसके हम चलो इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या सॉल्ट है फ्रेंड, इसमें कार्बोनी आयरन जिंक सल्फेट फोलिक एसिड कैप्सूल, इसमें ये तीन चार सॉल्ट है फ्रेंड। चलो जान लेते हैं दोस्तों, ये इसको कब यूज़ किया जाता है, कौन सी अवस्था में यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये एक आयरन सप्लीमेंट है, आयरन कैप्सूल है, और ये फ्रेंड्स महिलाओं में ज़्यादा यूज़ करने में लाया जाता है दोस्तों। दोस्तों ये महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं जब उस अवस्था में इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है दोस्तों, क्योंकि उस अवस्था में खून की कमी हो जाती है बहुत, और इस कैप्सूल को डॉक्टर प्रस्क्राइब करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको कैप्सूल निकाल के दिखाता हूँ। दोस्तों इसमें 45 कैप्सूल है, तीन पत्ते का स्ट्रिप है। ये देखिए बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इनकी। ये फ्रेंड ब्लड को इंक्रीज करता है। ये दोस्तों ये महिलाओं में खून की कमी को बढ़ाता है। ये दोस्तों गर्भ अवस्था में खून की कमी हो जाती है जब महिलाएं, और जिंक की कमी हो जाती है तो ये, और पोषण की कमी होती है, पोषण से कई संबंधित बीमारियों को भी ये दूर करता है दोस्तों। पोषण नहीं लाने देता, खून की कमी पूरी होती है इस कैप्सूल से। और दोस्तों हम देखिए, आपको दिखा चुका हूँ मैं, सॉरी। इसका रेट है दोस्तों 92 रुपीस, और ये एक पत्ता 92 का आता है। दोस्तों जिन महिलाओं में विटामिन बी की कमी हो, विटामिन B12 की कमी, वो भी इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों चलो इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसके डोजेज रोज़ एक कैप्सूल मॉर्निंग ले सकते हैं या इवनिंग भी ले सकते हैं खाना खाने के बाद, और बहुत ही अच्छा कैप्सूल है दोस्तों ये। और मैं आपको बता दूं, ये फॉलिक एसिड की कमी को भी दूर करता है। अगर फॉलिक एसिड की कमी भी है बॉडी में तो उसको भी दूर करता है दोस्तों ये। और ये फ्रेंड्स, इसको नॉर्मल भी अगर किसी को ब्लड की कमी है या कोई सर्जरी हुई है उसमें काफ़ी ब्लड रिमूव हो जाता है, काफ़ी गिर जाता है दोस्तों ब्लड, तो इस कैप्सूल को सुबह सुबह एक कैप्सूल लें खाना खाने के बाद, तो ब्लड में कमी नहीं होगी दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें दोस्तों। कैसा लगा मेरा आपको ये मेरा वीडियो, ये प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, फेराज़ुट का। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट में लिखें कि मैं आगे आगे कौन कौन से वीडियो बनाऊँ आपके लिए, और मेरे को कोई सुझाव दें। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।